उत्तराखंड में चार दिन से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले गधेरे उफान पर है। वहीं कई पुलों पर भी खतरा पैदा हो गया है। रविवार को हल्द्वानी देहरादून स्टेट हाईवे पर चकलुआ के पास बने पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। पानी के तेज बहाव ने पुल के दोनों पिलर क्षतिग्रस्त कर दिए। ऐसे में पुल कभी भी ढह सकता है। रामनगर भतरौंज खान मार्ग पर मोहान स्थित पनियाली नाले में आए तेज बहाव के कारण इस पर बना पुल टूट, इससे भतरौंज खान भिकियासेन रानीखेत के लिए आवाजाही बंद हो गई। राहगीरों को चिमटा खाल हरणा मार्ग से भेजा जा रहा है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में दारमा घाटी के माइग्रेशन ग्राम बोन को जोड़ने के लिए च्यूती गधेरे में बना पुल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। इसके चलते गांव के 30 परिवारों का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया। तीजम और वतन तोक को जोड़ने वाला लकड़ी का पैदल पुल बह गया, इससे 18 परिवारों का संपर्क कट गया। उधर चीन सीमा को जोड़ने वाला कैलाश मार्ग पर स्थित बैली ब्रिज भी खतरे की जद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।